मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे। नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को कहते हैं। इट मे ऑल्सो नेम अ फीलिंग और एन आइडिया। इसमें हम किसी फीलिंग का नाम और आइडिया का नाम भी ऐड कर सकते हैं। Read the following sentence. There are books in the shelf. Books जो है वो हमारा noun है। My English teacher Mr. Pavan is teaching us. Mr. Pavan noun है। My father Mr. Mohan is reading newspaper. Mr. Mohan noun है। Lucknow is a big city. इसमें लखनऊ ये हमारे place का नाम है, इसलिए ये noun है। Kinds of noun. The noun of the following kinds: proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun. Proper noun. A noun which names a particular person, place, animal or thing is called a proper noun. Proper noun वो होता है जिसमें किसी person, place, animal और thing का एक particular name होता है, उसे हम common proper noun कहते हैं। Proper noun हैज़ नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट भी हमारा नाउन है एंड दिल्ली भी हमारा नाउन है। दिल्ली प्लेस का नाम है एंड रेड फोर्ट एक ये भी एक प्लेस का नाम है। बेंगलुरु इज द सिटी ऑफ गार्डन्स। बेंगलुरु हमारा प्लेस का नेम है। मिस्टर मोहन इज माई फादर। मिस्टर मोहन ये पर्सन है। सेकेंड है कॉमन नाउन। अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम और टू पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जो नेम हम पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए एक सेम नेम यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स, हमने सारी बुक्स, किसी बुक का नाम नहीं लिया है, सारी जितनी भी बुक्स होती सभी को बुक्स कह दिया। एंड फ्रेंड्स, हमने किसी भी फ्रेंड का नाम नहीं बताया है, सब हमारे सभी दोस्तों को हमने एक फ्रेंड से एक्सप्रेस कर दिया। A tiger is chasing the deer. Here are note books and pen on the table. Some girls are dancing in the room. यहाँ पर tiger, tiger बहुत सारे होते हैं, हमने किसी को एक particular नाम नहीं दिया है। Deer भी बहुत सारी होती है, हमने किसी को particular नाम नहीं दिया है। Girls भी सभी बहुत सारी होती हैं, सभी के different different name होते हैं, हमने किसी के नाम नहीं बताया बल्कि सभी को गर्ल में इंक्लूड कर दिया। ये सब हमारे कॉमन नाउन है। अ कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन नेम। कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है। प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ स्पेसिफिक नाउन, वेयर इज द कॉमन नाउन इज नॉट नेम ऑफ स्पेसिफिक नाउन। प्रॉपर नाउन में हमारे किसी भी पर्सन, प्लेस का एक स्पेसिफिक नेम होता है, जबकि कॉमन नाउन में हमारा किसी भी प्लेस, थिंग का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है। प्रॉपर नाउन द ताजमहल कॉमन नाउन। जो हमारे प्रॉपर नाउन होता है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे ताजमहल, इंदिरा गांधी, हिमालय, लावा महल। और कॉमन नाउन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं। बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, क्लास, क्लासेस, सिटी, सिटीज, गर्ल, गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun that denote the name of same state, quality, feeling or idea that we can only think or feel but cannot touch or see is called an abstract noun. Abstract noun हमारी किसी भी quality, feeling, state जो हमने कहा है वो उसके name को हम abstract noun कहते हैं। इसे हम feel कर सकते हैं, इसे touch नहीं कर सकते। For example, Cleopatra was known for her beauty. Beauty ये हमारी एक क्वालिटी है, इसे हम फील कर सकते हैं।
वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ ये एक स्टेट है जो कि हम इसे जॉय एंड पेन आर पार्ट ऑफ लाइफ। वी शुड ट्राई टू लव अदर। हैप्पीनेस कैन नॉट बी वॉट। इंडियन सोल्जर शो देयर करेज। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्यूटी ट्रुथ जॉय पेन लव हैप्पीनेस एंड करेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट वी कैन नॉट सी हेयर स्मेल टेस्ट और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन अनाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पर्सन और थिंग्स को हम एक साथ जो कलेक्ट करके जो उनके ग्रुप को हम जो एक नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन आर नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल और थिंग। जो कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को ये नाम दिया जाता है। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर बकेट, अ कलेक्शन ऑफ कार्ड पैक, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ कैटल हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स क्रू, अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन बैंड, अ कलेक्शन ऑफ की बंच, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर टीम, अ कलेक्शन ऑफ फिश शॉल, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड फ्लॉक। अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर वैन द प्यूपिल एनिमल थिंग फॉर्म वन ग्रुप। जब हमारा कलेक्टिव नाउन तब हमारा सिंगुलर होता है जब प्यूपिल एनिमल थिंग्स किसी एक ग्रुप में होते हैं। हाउएवर इफ द कलेक्टिव नाउन टॉक अबाउट मोर देन वन ग्रुप, जब हमारा कलेक्शन नाउन एक से ज़्यादा ग्रुप के बारे में बात करता है इट कैन बी प्लूरल, तब वह प्लूरल होता है। लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अ नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर एंड और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज अ मटेरियल नाउन। वह नाउन जो कि किसी मैटर या सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती है उसे हम मटेरियल, और विच थिंग्स जो कि एक मटेरियल बनाते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। हनी इज़ मेड बाय बीज। हनी जो हो गया वो हमारा एक मैटर हो गया। द चेन इज मेड अप ऑफ आयरन। द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। द यूज़ ऑफ आर्टिकल द इज जनरली नॉट प्रेफर्ड विथ सच नाउन। जो आर्टिकल है द वो इस कुछ नाउन के साथ यूज़ नहीं होता है इस तरह के नाउन से। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर रहे हैं। इन्फेंट इन्फेंसी, बर्गलर बर्गलरी, रिलेशन रिलेशनशिप, थीप थैप्ट, ऑनर ऑनरशिप, हीरो हीरोइज्म, कैप्टन कैप्टेंसी, वॉन्ट वॉन्डेज, सिटीजन सिटीजनशिप, डिकॉइट डिकॉइटी। अब हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कर्टियस कर्टेसी, शॉर्ट शॉर्टेज, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, इग्नोरेंट इग्नोरेंस, करेजियस करेज, डेफिशिएंट डेफिशिएंसी, इफिशिएंट इफिशिएंसी, ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड, ब्यूटीफुल ब्यूटी एंड क्विक क्विकनेस। नेक्स्ट है वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो ग्रोथ, फ्री फ्रीडम, लीव लीव, वेयर वर्थ, डाई डेथ, डिपार्ट डिपार्चर, एक्ट एक्शन, अराइव अराइवल, एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस, डू डीड। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।